साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में जिन साथियों की याचिका जो है खारिज हो गई थी, उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। हालांकि सारे सवालों के जवाब हमने आपके दे रखे हैं, इसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं जिनके जवाब हमें जो है आपको दे देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एक बड़ा सवाल था आपका कि जो अभी याचिका डाल रहे हैं उन साथियों के लिए मैं बता दूं, पूछ रहे थे कि जो अभी याचिका डाल रहे हैं क्या हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, आप याचिका लिस्टेड कराइए, आप बहस कराइए, इसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा कि जो याचिका अभी डाली जा रही है उस पर लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप याचिका डलवाइए, उस पर बहस कराइए, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि एक याचिका मीनाक्षी जी के नाम से पड़ी थी, हमने उस पर आज वीडियो डाली थी, उसका आदेश आया था, उसमें ये लिखा था, जज साहब ने माननीय जी साहब ने ये कहा था कि ये याचिका इलाहाबाद के आर्डर रिजर्व के बाद जो है डाली गई, इसलिए इस पर लाभ ना दिया जाए, ऐसा एजी साहब का कहना था। लेकिन जज साहब ने उसको क्या किया था, 8056 के साथ कनेक्ट कर दिया, लखनऊ में ऋषभ मिश्रा जी की याचिका के साथ। तो ऐसे केसेस में आप याचिका डाल सकते हैं, कनेक्ट कराइए, बाकी चीज़ें आगे के प्रोसेस आपको स्पष्ट हो जाएंगे, सुनवाई में क्या होता है क्या नहीं होता वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये जो साथी ये कह रहे थे लाभ नहीं मिलेगा, देखिए ऐसी कंडीशन अभी नहीं अप्लाई हुई है, लेकिन अगर आप याचिका डाल रहे हैं, याची बन रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं चीज़ों को किस प्रकार की स्थितियां बनती है, वो बात की बात है। क्योंकि अभी तक इस पर कोई जजमेंट नहीं आया है कि जो बाद में अभी बन रहे हैं उनके लिए जज साहब ने कुछ कहा हो, तो इस वजह से अभी हम नहीं कुछ कह पाएंगे। हालांकि जो याचिका ऑलरेडी पहले से पड़ी थी उस पे जो है एमएन भंडारी साहब ने ये चीज़ आदेश दिया था कि अब तक जो याचिकाएं हैं कोर्ट में उन सब पे जो है लाभ दिया जाता है। तो ऑलरेडी जो याचिकाएं कोर्ट में थी उन पे तो लाभ मिला है, लेकिन अभी जो नई पड़ रही हैं इनके लिए क्या होगा ये आने वाला समय तय करेगा। तो वो चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि जिनकी याचिका खारिज हो गई है, तो देखिए जो खारिज हो गई है वो बहुत परेशान लोग हैं, ये कह रहे हैं कि खारिज हो गई हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप पहले ऑर्डर को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, इसके बाद इस सवाल को पूछा करिए। उसमें एकदम सेम एकदम साधारण और सिंपल शब्दों में जैसा आपने ये आदेश में आपके है कि सभी को लाभ दिया गया है आपके अच्छा एक चीज़ हमें बताइएगा, मेरी बात समझिएगा, आपकी याचिका खारिज हो गई, फिर आप गए कहाँ, डबल बेंच में। आप डबल बेंच में किस लिए गए, ये बताने के लिए गए कि साहब जो आदेश आया उस आदेश से हम संतुष्ट नहीं है। तो आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए डबल बेंच, और डबल बेंच में आप क्या गए, आप जीत गए। इसका मतलब ये हुआ जो आदेश सिंगल बेंच से आया था उसको गलत ठहराते हुए आपको क्या कहा डबल बेंच ने, आप सही हैं, आप जीत रहे हैं, आपको एक नंबर दिया जा रहा था। इसका मतलब आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। अब मेरे समझ से आपको ये बात समझ में आई होगी, एक बार मैं पुनः कोशिश करूँ समझाने की। मैंने कहा कि आप सिंगल बेंच में थे, आपकी याचिका डिसमिस हुई, आप डबल बेंच में अपील कर दिए, ये बताने के लिए कि ये सिंगल बेंच का जो आदेश है वो हम संतुष्ट नहीं है, हम इस पे फिर से बहस हो। तो क्या किया जज साहब ने, आपके इस सिंगल बेंच के आदेश को खारिज किया और आपको एक नया आदेश बना के दिया कि एक नंबर आपको दिया जा रहा है और जो आ रहे हैं उनको नौकरी दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लाभ पाए कि नहीं पाए, तो वही चीज़ है। तो आप उस चीज़ को लेकर के बिना वजह परेशान ना हो। अब बात करते हैं हम लखनऊ में सुनवाई के लिए, तो लखनऊ की सुनवाई के लिए ही हम प्रयासरत हैं, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी साथियों ने कहा कि अर्जेंसी डाल दीजिए, साहब हर चीज़ का नियम कानून और सब कुछ देख करके करना पड़ता है कि किस बेंच में आपका मामला है, कहाँ आपके मामले को सुना जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं बता सकते आपको सोशल मीडिया पे। बस इतनी चीज़ें आप जानकारी रखिए, जितना हम सीमित मतलब हमें उतना ही आप बोलने की इजाज़त दें जितना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते आप, वो कोर्ट के ख़िलाफ़ है। तो उन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती हैं रूल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको फॉलो करते हुए काम करा जाता है। तो आपकी जल्दबाजी से नहीं, और जबकि आपको पता है कि आपके उस आदेश पे 2 सप्ताह का जो है समय लिखा है कि 2 सप्ताह के बाद आपका मामला लिस्टेड होगा, फिर भी आप उस पर ज़बरदस्ती कैसे करेंगे। अगर किसी साथी को बहुत अतुत्सुकता है तो आप भाई आप स्वेच्छा से आप अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो आप कर लें, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। और हाँ, एक बेहतर कमेंट मेरे पास आया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन भाई साहब ने ये कहा, ऋषभ मिश्रा सिर्फ पैसा कमा रही है टीम, और इसके बाद वो लोगों को जोड़ रहे हैं, इसके बाद कनेक्ट कराएंगे और भाग जाएंगे। तो महोदय मैं आपसे बता देना चाहूँ, टीम ऋषभ मिश्रा वो टीम है जो सुप्रीम कोर्ट 2 बार लड़ी है, सिंगल बेंच लड़ी है, इलाहाबाद लड़ी है,
लखनऊ लड़ी, ऐसा कोई बेंच नहीं है जहां हमने लड़ा नहीं है। और रही बात पैसा कमाने की, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे भी बोल नहीं रहा होता, ठीक है। मेरे चार चार पांच पांच जो ग्रुप चल रहे हैं वो नहीं चल रहे होते, ठीक है। अगर मैं आपके बीच में पहले दिन से और आखिरी दिन तक हूँ तो इसका मतलब ये है भागने वाले नहीं है। हमारा फ़ोन नंबर चालू है, मेरा नंबर ले लीजिएगा आप, किसी से मांगेंगे टीम से मिल जाएगा, और आप हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको सारी जवाब दे देंगे, कौन भाग रहा है, कौन हाची बना रहा है, कौन नहीं। और रही बात अभिषेक जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमने कहाँ अभिषेक जी की बुराई करी, हम आज भी कहते हैं अभिषेक जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभिषेक जी अपने स्तर पर बेहतर कार्य कर रहे हैं, हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। और हम या कोई भी टीम हो, हमारी किसी टीम से कोई बैर नहीं है, सब बड़े भाई छोटे भाई सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो अवधेश श्रीवास्तव जी हों, चाहे अभिषेक जी हों, चाहे कोई भी टीम हो, सब टीमें अच्छी कर रही हैं, हम भी अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो हमने किसी को कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। ये जो आप लोग बीच में कमेंट कर देते हैं और ये गुमराह करने टाइप का कुछ काम करते हैं ना, इससे क्या होता है, एक मनमुटाव होता है लोगों के बीच में। तो वो काम आप हटा दीजिए, आपको लगता है कि हम मिलके काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक टीम आपसी तालमेल के साथ ही कार्य करती है, ऐसी बात नहीं है। अगर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम बताते हैं, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो हमारी हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और रही बात ये जो लोग कमेंट कर देते हैं कि वो काम कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप याची बना रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, तो साहब ये आपके कहने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये दुनिया देख रही है और पूरा उत्तर प्रदेश का हर एक उत्तर कुंजी प्रकरण से पीड़ित अभ्यर्थी देख रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। तो मैं बस आपको जवाब देना था तो मैंने दे दिया, वासा करते आप दोबारा ऐसे कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि आपका कमेंट मैंने छोड़ दिया है, अपने भाइयों से मैं ये चाहूँगा कि आप उनके कमेंट के पास जाएँ, आप उनसे थोड़ा सा सवाल जवाब ज़रूर करें कि आप किस बेसिस पर ऐसी चीज़ें करते हैं। तो मैं मिलता रहूँगा इसी प्रकार की तमाम जानकारी और सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।